नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में इस वक्त सत्ता में है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार। जी हां, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत की एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायकों ने और बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बना ली और अब ये सरकार विपक्ष के लगातार निशाने पर बनी हुई है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे ने बेहद बड़ा झटका दिया ठाकरे परिवार को, वहीं दूसरी ही तरफ ठाकरे परिवार की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है शिंदे गुट। एक एक करके वो तमाम नेता, युवा नेता इस गुट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ शिवसेना के उद्धव गुट के नेताओं का कहना ये रहा कि कहीं ना कहीं बागी विधायक अब मातोश्री में वापसी कर सकते हैं, बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं आदित्य ठाकरे, तो वहीं उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे भी तमाम कोशिशें करती हुई दिखाई दी थी कि कैसे भी करके बागी विधायक उनके खेमे में वापस लौटाए। लेकिन अब रश्मि ठाकरे को बेहद बड़ा झटका लगने को जा रहा है। रश्मि ठाकरे जो काफी अफसोस जाहिर करती हुई नजर आई हैं, रश्मि ठाकरे जो पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के लिए अहम फैसले लेती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन अब रश्मि ठाकरे जो महिला संगठन को संभालती हुई दिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं ये महिला संगठन अब टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब बेहद बड़ा झटका देने वाली है शिवसेना की महिला नेत्री दीपाली सैयद। दीपाली सैयद वही नेता है जिन्होंने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन आज वह दीपाली सैयद ऐलान कर चुकी हैं और वह जल्द से जल्द एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकती हैं। और इसी बीच दीपाली सैयद ने तमाम बातें कही हैं। रश्मि ठाकरे को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को लेकर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है दीपाली सैयद ने? दरअसल आपको बता दें कि दीपाली सैयद अब यहां पर राजनीतिक हलचल और भी तेज कर चुकी है। ठाकरे गुट की अहम महिला नेता मराठी अभिनेत्री दीपाली सैयद अब शनिवार तक एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं और इस बात का ऐलान करते हुए कि आज उन्होंने इस खोके वाले आरोप को ठाकरे परिवार की ओर मोड़ दे दिया है और कहा है कि माहौल बदल जाने के बाद अब बीएमसी की तरफ से खोके अब मातोश्री तक नहीं पहुंच रही हैं। वहीं इसी बात का रश्मि ठाकरे को अफसोस है कि अब उन्हें ठाकरे गुट की नीलम गोरे और सुषमा अंधारे जैसी नेताओं को उन्होंने चिल्लर बता दिया है और एक तरफ उन्होंने ये कह दिया है कि मुख्य सूत्रधार तो रश्मि ठाकरे हैं। इस तरीके से यहाँ पर दीपाली सैयद ने अपनी बात रखी है। जी हाँ, आपको बता दें कि वह उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एक साथ लाने की कोशिश करती हुई नजर आई, लेकिन आज उन्होंने शिंदे गुट में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। मीडिया से बातचीत की उन्होंने और दीपाली सैयद, शिवसेना नेता और विधान परिषद की उपाध्यक्ष डॉक्टर दीपाली सैयद ने नीलम गोरे, सुषमा अंधारे और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की जमकर आलोचना की। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कह दिया कि रश्मि भाभी को अफसोस है कि मुंबई नगर निगम के बक्से मातोश्री में समय से नहीं पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां पर और भी तमाम बातें कही। उन्होंने अपनी नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर कर दिया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही सीएम एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की और अब मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि वह एकनाथ शिंदे से मिलकर पार्टी में शामिल होने के लिए यहां पर फैसला ले रही हैं और मुझे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में लाया था। वह कहती हैं कि अब वह उनके समर्थन में उतरेंगी, उनका समर्थन करेंगी। इतना ही नहीं, दीपाली सैयद ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पर रश्मि ठाकरे पर निशाना साध दिया है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि बॉक्स के पीछे रश्मि ठाकरे मास्टरमाइंड रही हैं। मुंबई नगर निगम की तरफ से आने वाले डिब्बे समय पर मातोश्री नहीं पहुंचते और उनका कहना रहा कि रश्मि भाभी ही जो रिपीट
वहीं साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि रश्मि भाभी को इसी बात का मलाल है। इस तरीके से देखा जाए तो अब दीपाली सैयद ने टंकी की चोट पर ऐलान तो कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर रश्मि ठाकरे को लेकर यहाँ पर बात कही है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर रश्मि ठाकरे का जो महिला संगठन है वह टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दीपाली सैयद अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने को जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे का क्या कुछ बड़ा कदम देखने को मिलेगा, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।